खुशी की बात है कि भगवान के जन्मदिन इस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आज हमारे बीच में नेहा जी और साथ में ये ग्वाल बाल और कृष्ण कन्हे लाल सजे हुए ये वृंदावन से कम नहीं लग रहा है। लाल सागर आप लोगों का जो आज भजन संध्या प्रस्तुत कर रहे हैं इनका रणछोड़राय सेवा समिति की तरफ से और ट्रस्ट की तरफ से स्वागत करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं नेहा जी मुंडा का स्वागत करना चाहूँगा। पुष्पा जी सोनी वाइफ ऑफ परशुराम जी सोनी को निवेदन करूंगा वो आ गया है और नेहा जी मुंडा का माल्यार्पण कर स्वागत कर। श्री हरिकृष्ण जी मुंडा भी हमारे बीच में है इनका भी माल्यार्पण कर स्वागत करना चाहिए। कृष्ण जी मुंडा का माल्यार्पण कर स्वागत करें। दो मिनट में इमीडिएट आ जाए। राकेश जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी देवड़ा गोपाल सेवा समिति के सदस्य भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप स्वागत करें। शहर के बड़ी तादाद में भक्त लोग आते हैं अपने हाथों से तन मन धन से वो सेवा का लाभ लेते हैं, संतों का आशीर्वचन लेते हैं। तो आप लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाली अमावस्या को शीघ्र ही न तो आप सब लोगों ने कि गौ सेवा में आप भी भागीदार बने ना मेरी गौशाला। आइए श्याम जी साहब सूर्य हरिकृष्ण जी मुंडा बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आपकी सुपुत्री नेहा जी इतना सुंदर अपनी मधुर वाणी से सभी लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है लाल सागर में और बहुत ही भगवान की असीम कृपा इसी तरह आप पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
धूप धूपियां। हाँ, एक मेरा निवेदन रहेगा कार्यकर्ताओं से कि मंच पर जरूर पहुंचना। ठाकुर जी के ऐसे स्वरूप के दर्शन करने एक बार शिवजी भगवान आए थे, लेकिन शिवजी का असुविधा हो गई थी। वैसे भी अभी सावन गया ही है तो भोले बाबा के भक्त को उठा के दो आप।
मेरी आईडी पे आप देख सकते हैं गोविंदा आला रे।